नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। कानपुर में शिवाला स्थित कैलाश मंदिर आस्था, रहस्य और विशेषताओं से भरा हुआ है। मंदिर का निर्माण 1869 में हुआ। इसका शिवलिंग उन्नाव में तैयार कराया गया। सफेद संगमरमर से निर्मित इस मंदिर में 7 फीट लंबा और 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, यानी ये उस दरवाजे से भी बड़ा है जिस देवालय में इसे स्थापित किया गया है। शिवलिंग का व्यास इतना है कि दोनों हाथों से कोई अंगीकार नहीं कर सकता। ये उत्तर भारत के सबसे विशाल शिवलिंग में पहचाना जाता है। 151 साल पहले मंदिर का निर्माण महाराज गुरु प्रसाद शुक्ला ने कराया था। मान्यता है कि नियमित 21 सोमवार जल चढ़ाने से सभी की मनोकामना पूरी होती है। प्राचीन मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इसमें से 2 मंदिरों में हनुमान और भैरव जी की मूर्तियां हैं जो मूंगे से बनी है। मंदिर में गौरी शंकर, गंगा, यमुना, ब्रह्मा, सरस्वती, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, राम, लक्ष्मण, जानकी, बद्रीनाथ की काली मूर्ति, गणेश, कार्तिकेय, भगवान लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर हैं। मंदिर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ कोतवाली के शिवाला इलाके में कैलाशपति मंदिर अपने आप में अनूठा है। इस मंदिर में 7 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा, 5 फीट ऊंचा भोले शंकर का शिवलिंग है। भव्य और सफेद संगमरमर से बना ये शिवलिंग पूरे उत्तर भारत में अकेला और अनूठा है। ये हमारा मंदिर जो है कम से कम 2.5 वर्ष पुराना है। 2.5 सौ? हाँ। ये मंदिर की मूर्तियाँ जो हो बहुत भव्य है। हमने कई जगह घूम के देखा, इस तरह की मूर्तियाँ कहीं नहीं मिली। यहाँ जैसे हनुमान जी की मूर्ति, लाल मूंगे की मूर्तियाँ, गणेश जी की बात मतलब असली मूंगे की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे पूजन पाठ होता रहता है, श्रृंगार होता रहता है और रुद्राभिषेक होता है, पूजन पाठ हमेशा हुआ करता है। यहाँ की मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। और इस मंदिर की विशेषता है कि कितने भी उलझन हो, ये आके एक पूजन करके एक चक्कर राउंड लगा के 5 मिनट बैठ जाओ तो सारी उलझन दूर हो जाती है। यह मंदिर की विशेषता है।